ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। तजावजात के खिलाफ लाहौर में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका आज तीसरा रोज है और कुछ मुतनाज़िया नकात के ऊपर ये बात जा रही है। यहाँ पर दो प्लाजे ऐसे हैं जिनको अभी तक टच नहीं किया गया है और कागजात भी उसके अभी तक नहीं आए। यहाँ पर किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही है। किसी को अगर मोहलत दी जा रही है तो असर रसूख देखा जा रहा है। कौन कितना बड़ा टाइकन है उसको जरूर एक्सटेंशन दी जा रही है, लेकिन जो छोटा बंदा है वो बेचारा मारा जा रहा है। देखिए जी, वो भी बेचारा नहीं है, वो भी गैर कानूनी तौर पर बोर्ड लगा के बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनके साथ उनके, इनको बिल्कुल प्रोफेशन करना चाहिए। अगर ये लोग गलत हैं तो वो भी गलत हैं। अगर इनसे नशा मांगा गया, लोगों को दिखाएं ताकि लोगों को सुकून तो हो। यहाँ पर सर लोग बार बार कह रहे हैं। एसी साहब कहाँ हैं, सफदर बेग साहब कहाँ हैं? जी एक्चुअली सब का विरक्षा मीटिंग में है, तो मैं अभी इनका कंपेन के साथ उनका नहीं है जी। डीसी साहब से मैं अभी आपको माइक ऑन करके बात करें, कोई मीटिंग नहीं होती, इनका काम ही यहाँ पे खड़ा ना। कोई बंदा मर गया फिर क्या करेंगे आप? मौके पे हम मौजूद हैं, एम ओ आर साहब मौजूद हैं, तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है, कोई जानबदारी है, मेरे नोटिस में आए तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंशाल्लाह ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं होगा। कि प्लाजे क्यों नहीं, उनका जो आगे वाला पॉइंट है क्यों नहीं कराया, क्यों इंतजार किया जा रहा है कि उनके कागजात आएंगे? जी बिल्कुल जी, उनके अभी एम ओ आर साहब बताएं आप कौन सी गाड़ी में आते हैं? आपकी फोर व्हीलर गाड़ी है, आपको पता आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? आपको पता ना कितनी कीमत है आपकी? आप ठंडी गाड़ी में घूम रहे हैं और यहाँ पे लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आप 3 घंटे में 2 घंटे क्यों बाइक लगा कर आए हैं? आपको ऑपरेशन से क्यों गायब हुए हैं? यहाँ पे आपको ऑपरेशन में मौजूद होना चाहिए। एम ओ आर भी 2.5 घंटे गायब रहे हैं, आप भी 2.5 घंटे गायब रहे हैं और सफदर वीरक साहब 2 बजे के गायब हुए हैं, 5:30 हो गए हैं और यहाँ पर सारे लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं छोटे बंदों के साथ। आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। क्यों डीसी साहब, कहाँ कौन सी मीटिंग आपकी चलती है? हमें नहीं पता आप किन मीटिंगों में जाते हैं, किन मीटिंगों में नहीं जाते। आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। मैं बताता हूँ, इशू ऐसा नहीं है इमरान भाई, चीज़ ये है कि हमने यहाँ डिसाइड किया था कि हमने 2 एक्सीबेटर थे, 2 ग्रुप बना लिए थे। एक जो है ना टीम मैं लेकर आगे चला गया था, हमने शमा से आगे जो है ना ऑपरेशन शुरू किया और दूसरी टीम जो है ना पीछे ऑपरेशन करती आ रही थी। पीछे तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ सर, हम आगे अबू यूसुफ के पीछे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उनके साथ मामला तय पा गए। उस साइड पर जो ऑपरेशन है उस साइड का ऑपरेशन कल तक जो है ना पेंडिंग किया गया और 2 प्लाजो का भी अभी तक कागजात नहीं आए। उनकी जो है ना अंडरटेकिंग हमारे पास मौजूद है। जो आप बात कर रहे हैं, किसी के साथ हमारा कोई ऐसा तल्लक नहीं है कि जानबदारी कर रहे हैं या जो है ना कोई इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। एक को जो है ना हम जो है ना ज्यादा जो है ना क्यों नहीं गिराए। मैं मुझे उनसे कोई नहीं है कि कौन किसका प्लाजा है किसका नहीं है। मुझे ये होना चाहिए कि इनकी टीम जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनका जो टाइम है उसका अच्छा। ये देखिए सुबह 10 बजे का ऑपरेशन शुरू हुआ है, ठीक है, ये उतारे हैं बोर्ड, ये नीचे से ये उतारे, ये क्या हो रहा है? ये ऑपरेशन है? ये कोई ऑपरेशन नहीं, हमने अपनी आंखों से देखे। मैं 2012 में ऑपरेशन हुआ, डीसी साहब का डीसी थे उसके, 2008 में ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन थे। ये तो हमें ऑपरेशन नजर ही नहीं आ रहे। कल भी ये सूरत हाल हुई है, आज भी ये सूरत हाल सामने नजर आ रही है। इनके ऑपरेशन में वो चीज़ होती नहीं है, यानी कि इनके पास कौन सा अफसर है जो यहाँ पर मौजूद है जिसको मैं ना जानता हूँ और मुझे पता ना हो कि ये ऑपरेशन कर सकते नहीं कर सकता। प्रेशर है कोई एसी साहब अभी तक नहीं है, उनको कोई प्रेशर है? नहीं ऐसी बात नहीं है। एसी साहब मेरे साथ इम्तियाजी और गैर इम्तियाजी सलूक क्यों है? एसी देखें, एक टीम के साथ 2 एसी काम कर रहे हैं। ये जो टीम टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों आपके एक्सीबेटर यहाँ पे मौजूद हैं। एक नहीं नहीं बात आप समझे, एक टीम एलडीए के साथ काम कर रही है, वहाँ एसी रायवंड है, आसम सलीम है वहाँ पे, एसी रायवंड और एसी मॉडल टाउन, और दूसरी टीम के साथ एसी सिटी और एसी शालीमार है। तो अगर एक एसी साहब नहीं होते तो हमारे साथ दूसरे एसी साहब काम कर रहे होते। मैं भी नहीं गया, मैंने जो है ना अपना खाना भी गाड़ी में बैठकर खाया है। ये आपके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, आपके ऊपर तो बात ही नहीं की। 2 घंटे या 2.5 घंटे हम इसको छोड़कर चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। इशू ये है कि जहाँ मामला हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े के बगैर या किसी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर के बगैर हल हो सकता है, तो इनक्रोचमेंट हम वहाँ बगैर। एक सवाल का जवाब आपने मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहना है, इस ऑपरेशन में जानिबदारी और गैर जानिबदारी आज के दिन में आपको नजर आई सर, आपने अल्लाह को जवाब देना है हाँ या ना में जवाब? देखें बिल्कुल जो है ना ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि किसी किस्म की जो है ना जानिबदारी नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा तल्लक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपका एक लोगों के जहन में वैसे ही मैं तो ये कह नहीं रहा कि आपका तल्लुक है। अगर आपको तल्लुक होता तो मैंने आपको सबसे पहले कहना था कि आपका सबके साथ तल्लुक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन का एक स्ट्रीम होता है, जो एक ऑपरेशन की अपनी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग नहीं है आपकी।
आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी चार चार घंटों के माइंड मास्टर आगे TORs होने चाहिए। यहाँ पर एक बंदा है, एक जो खवातीन और ZOR रखी हुई है आपने, एक आपने डिप्टी चीफ ऑफिसर साथ लगाया हुआ है, आपके चार चार घंटों के साथ अच्छे लड़के साथ होने चाहिए थे जो आपके काम करने वाले हों। हमें भी पता होता काम होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर कभी काम होता है कभी रुक जाता है, चार दुकानों को छोड़ते हैं चार दुकानों को आप गिरा देते हैं, ये मसला क्या है? क्यों नहीं इस तरह की आप प्लानिंग सेट कर रहे? कल भी वहाँ पे हरबंसपुरा में भी ये हुआ, चार घंटे मुजाकरत होते रहे, उसके बाद पता लगा जी शाम को 5 बजे वो कागजात लेकर आ रहे हैं, वो कागजात ही नहीं लेकर आए। रात को DC साहब ने लाइट का मसला था, लाइट चल रही थी, अभी मेरी SPO वापदा से बात हुई है, उन्होंने अभी फीडर बंद किया है और जो है ना जिसकी वजह से हमारी मशीनरी जो है ना यहाँ पर रुकी हुई थी जो ना, ताकि जो ना कोई किसी किस्म का कोई तो बात ही नहीं हो रही, हम बात कुछ और कर रहे हैं, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आपके अमले की बात। उन्होंने बात की है क्या नाम है कि जी इसमें जो ना आप जो ना देते हैं डिस्टेंस देते हैं, इसमें आप जो ना वक्त देते हैं कि जी घंटे बाद, दो घंटे बाद, चार घंटे बाद, हमारी मशीनरी तक पहले रोज तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं था, आपकी प्लानिंग थी, आपकी वापदा के साथ प्लानिंग थी। हो सकता है ना आप इनको नोटिस करें, इनको जुर्माने करें या अपने खुद बखुद उतार लें, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं कि आपने इतनी बड़ी क्रेन से सिर्फ एक आपने साइन बोर्ड उतारना है, वो तो दीवार गिराने के लिए क्रेन होती है। डेली TV पर भी इश्तहारा चल रहे हैं और डेली अखबार में भी आ रहा है, दिया गया ना देख क्या क्या टीवी पे क्या नोटिस दिया कि आप लोग सारी जायज उठा लें, नहीं ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आवाम के साथ ज्यादती है, आप करें वो काम करें जो जायज है, ऐसा काम मत करें जिससे कि आवाम परेशान हो जाए, कभी आप हेलमेटों का अजाब डाल रहे हैं, कभी आप कोई अजाब डाल रहे हैं, खुदा के लिए जीने दो, गरीब आदमी को जी लेने दो यार, खुदा के लिए जी लेने दो। मदीहा ये ZOR रावी टाउन है, ठीक है ये रावी टाउन से आए हैं, ये बात ठीक की गई थी कि एक टाउन जो है वो दूसरे टाउन में जाकर ऑपरेशन करेगा, क्योंकि उस टाउन में ऑपरेशन करवाया जाएगा अगर तो वो टाउन वाले जो हैं दुकानदार उनको जानते भी हैं, वो ऑपरेशन नहीं करने देंगे। ये अच्छा DC साहब ने ये प्लानिंग की थी, मगर आगे प्लानिंग इनकी चल नहीं रही, ये मेरा कहना है कि यहाँ पे अगर इनकी प्लानिंग अच्छी हो, सुबह 10 बजे के मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, शाम का टाइम हो गया है, कल भी AC साहब हुआ है, हम सुबह गए हरबंसपुरा 3 बजे वहाँ से फारिग हुए, परसों हम अनारकली गए, रात को मैं और आप कितने बजे वहाँ से निकले, आखिरी पेपर इनके साथ लाइव पेपर मैं 6:15 बजे वहाँ से करके निकला, ठीक है तीसरा रोज है, हमें वैसा ऑपरेशन नजर, इतना बड़ा ये एक्सीवेटर एक इन्होंने किराए पे लिया है, उसके साथ ये छोटा सा बोर्ड उतार रहे हैं, ये क्या है? ये इनको नोटिस दें, इनको बहुत उतार लेंगे, एक वो भी खुश हो जाएंगे, उनको उनसे आपको रेवेन्यू भी आ जाएगा। चलिए ये तमाम तर बातें जो है हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जरा थोड़ी सी आवाम से बात करते हैं, आप लोग पीछे तालियां बजा रहे थे, क्यों बजा रहे थे? ये बाजी गलत गल है, ये कौम वास्ते गलत की है, इसने कैसे गलत? उन्हें तो क्यों नहीं काटते, फिर ऊपर लीडर बैठे हैं, उन्हें भी कोठी है, उन्हें तोड़े। मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने ये जो भी काम किया है गलत किया है, यानी कि इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और नुकसान मार्केट में पहले कोई काम नहीं है, तो कारोबार जो पहले ही ठप है ऊपर से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, गरीब लोगों के लिए तो मुश्किल बन गया बहुत ज्यादा। इधर से आप और क्या कहना चाह रहे थे, जरा कैमरा को जगह दी। देखिए ये जो कर रहे हैं अगर ये आवाम के लिए सही कर रहे हैं तो ठीक है, मगर इनको इतना चाहिए था ये 2 दिन पहले हमें नोटिस दे देते कि ये आप लोग अपने बोर्ड हटा लें, अपनी चीजें हटा लें, कितना नुकसान कर दिया इन्होंने, बिल्डिंगों को त्रेड़े पड़ रही है, ये इतना बड़ा एक्सीलेटर आप देख रही है, ये एक्सीलेटर एक बोर्ड के लिए तो नहीं होता, ये एक्सीलेटर तो बिल्डिंग गिराने के लिए, नाजायज चीज है, उसके लिए नोटिस की नोटिस दे दे, नोटिस दे के जनाब आप बोर्ड उतारे, ये आपका नाजायज चीज के लिए नोटिस क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए क्या इन्होंने लगाए हुए गलत, अगर इन्होंने गलत लगाए हुए क्यों करते हैं सर, क्यों करते हैं? तो शुरू से चलता आ रहा है सिस्टम है, ये सिस्टम इतनी जल्दी तो सही नहीं हो सकता, इसको किसी तरीके से सही करें आप लोग। BHA से मंजूर शुदा बकायदा टैक्सेस देते हैं उसके जब आप BHAs के बोर्डों के पैसे लेते हैं कंपनियों से, लाखों रुपए रिश्वत भी लेते हैं, उसके अलावा पैसे भी लेते हैं बोर्डों के फिट ऑफ निजाम में शिकायत क्यों किए, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लेते हैं, आप लोग देते हैं BHA को पैसे, BHA लेके पैसे लेते हैं, पैसे लेके इजाजत देते हैं तमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इमरान मलिक साहब से गुजारिश करूंगे हमारे साथ रहेगा, निजाम में देखे आपने कितना बड़ा खराबी है निजाम में। देखिए जी मैं बार बार ये कहूंगा कि
एसी सिटी, ये सिटी का इलाका है, एसी सिटी को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। मेरी उनसे बात भी पहले हुई कि जी वो कह रहे जी हम आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ जाने का मकसद क्या, कौन सी मीटिंग इतनी हैवी है आपके ऑपरेशन से, हैवी मीटिंग नहीं है, ठीक है यहाँ पर एसी शालीमार मौजूद हैं, मगर आपका यहाँ पे होना ज़रूरी था। लाइट बंद कराने का मकसद है, यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से मसाइल हैं, यहाँ पर पुलिस के मसाइल हैं, यहाँ पर तजावजात के हवाले से पूरी प्लानिंग चल रही है, और यहाँ पर हर बंदे को मौजूद होना चाहिए। जब ड्यूटी लग गई, जब प्लानिंग हो गई, उसको फिर बिल्कुल प्लान के हिस्से में रहना चाहिए, बिल्कुल साइड पर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक सूरत हाल में आपको दिखाऊँ, ये जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को अगर आप वार्निंग नोटिस आए हैं तो कल वार्निंग नोटिस जारी करें, इसमें कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा इमरान मलिक, तब हमने देखा है कि 40 से 45 रोज गुजर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आए, लोगों में जो पहले पैशन था इस हुकूमत को लेकर, इस पार्टी को लेकर, अब थोड़ा सा मान पड़ रहा है। मैंने ये देखा कि गुजश्ता रोज एक चिंची वाले ने अपनी चिंची जला दी, उसको चलान हुआ था। फिर एक वीडियो आई, एक मोटरसाइकिल वाले ने अपने कपड़े फाड़ लिए और वो नहर में छलांग लगाने वाला था क्योंकि उसका चलान हुआ था। कल एक वीडियो मैंने देखी, एक मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल को लिटरली आग लगा दी क्योंकि उसका चालान हुआ था। हेलमेट न मिलने पर लोग परेशान हैं, बिजली का बिल ज्यादा आने पर लोग परेशान हैं। फिर एक और जो है वो तजावजात के खिलाफ, ये गैर कानूनी चीज है, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन एक मुनज्जम तरीके से। जो अवाम में इंतजार है वो आप महसूस कर रहे हैं, जो लाहौर शहर में एक अफरा तफरी सी फैल गई है उसको आप महसूस कर रहे हैं? मदीहा, बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इस बात को सेकंड भी करूंगा। मकसद ये है कि ये जो वीडियोस आ रही हैं, ये पहले भी आती थी, अभी भी आ रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जारी बात है, कोई किसी बंदे को ज्यादा तंग करेगा तो वो उस वक्त की बात होगी, उसके बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा होता है वो भी कहता है यार मुझसे गलती हो गई, आपस में माफिया मांग रहे होते हैं, जो हमने देखा आज तक। मकसद ये कहने का है कि तजावजात के खिलाफ, अगर ये सियासी स्टंट नहीं है, क्योंकि 2012 में नूलिंग ने ऑपरेशन किया ठंडे भर के, वही ज़मीनें जिनको वागदर करवाया उन पे बाद में कब्जे हो गए। 2007 में ऐसे 10 साल पहले ऑपरेशन हुआ ठंडे भर के, वही ज़मीनें जो वागदर करवाई उन पर कब्जे हो गए। काम नहीं ठीक हो रहा, काम नहीं ठीक हो रहा। अगर ये बोर्ड आज उतरे हैं तो अगर ये दोबारा लग जाते हैं तो ये फेलियर है, इस ऑपरेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। फिर तो ये सियासी स्टंट हो गया ना, फिर तो ये कोई रिट नहीं हुई ना कि आज आपने ये ऑपरेशन किया हुआ है, यहाँ पर क्रेन मंगवाई हुई है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, लोग बाहर खड़े हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इसको बंद किया जाए, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मकसद ये, अगर ये बोर्ड उतरवाए हैं तो इनको, अगर आपने बोर्ड लगवाने हैं अपना, एक जो भी आपने बनाया हुआ है यहाँ पर बोर्ड का अपना, उन्होंने फाउंड के हवाले से उन्होंने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है, इनको डिज़ाइन दें, उस डिज़ाइन के हवाले से के साथ ये अपने बोर्ड लगाएं, एक यहाँ पर एक तरीके से बोर्ड लगाया जाए ताकि जो गुजरने वाला हो उसकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और PHA को पूरे फंड दें अपने पास, उसका NOC रखें या जो भी इन्होंने रसीद रखनी है। ये हम देख रहे हैं कि आम प्रैक्टिस है हमारे मुआशरे में, टाइम मनी एंड एनर्जी, इन तीनों का हर दौरे हुकूमत में होता रहा है। जो इदारे कायम किए गए हैं वो अपनी रिट कायम नहीं कर सकते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ता है हुकूमती रिट कायम करवाने के लिए, और अभी भी ऐसा हो रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट्स को आना पड़ रहा है बीच में, और इदारे फिर ये आज ऑपरेशन होगा और एक महीने बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अनारकली किया ऑपरेशन परसों, और कल मुझे रात को फोन आया कि भाई जरा दोबारा नारकली तो आए। मैं कहा क्या हुआ? वो दोबारा से थड़े ना पक्के हो रहे हैं। सारी बात है, जिसके आप थोड़े तोड़ेंगे वो वैसे ही दोबारा बनाएगा ना, कि आप आ गए हैं, ये भी इतला कर देते हैं जी हम आ रहे हैं, ये उससे पहले कोई 2 घंटे पहले तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, या 2 दिन पहले ये नोटिस जारी करें, जो एक तरीकाकार है, चाहे ये गलत है चाहे ठीक है, इनसे गलतियाँ होनी है। आखिरी सवाल ये मुझे बताइएगा कि ये ऑपरेशन का सिलसिला अब कितने दिनों तक जारी रहेगा, और वो जो 2 प्लाजे हैं जिनका फ्रेंड जो है गैर कानूनी था वो क्यों नहीं गिराए गए? अच्छा, वो प्लाजे जो हैं, एक दोनों प्लाजे जो हैं वो हैवी बंदों के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इनको खुद चेक करने चाहिए। DC साहब को आज ही प्रोग्राम देखकर हम अदालत, मौजूद अदालत को कहेंगे प्रोग्राम जरूर देखिए। हाँ जी, मौजूद अदालत को भी कहेंगे वो दोनों प्लाजों के नक्शे में गए, अगर वो ठीक है ना, हमें कोई इनसे प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हम तो मैंने तो आज तक लिटन रोड पे ज्यादा ये तजावजात करते हैं मगर देखा नहीं है कि प्लाजा, मगर ये 6 माह में यहाँ पे प्लाजा बन जाना, और इससे पहले जो एक प्लाजा बन रहा है वो भी 6 माह में बन जाना, कहाँ पे 6 माह में प्लाजे बन जाते हैं। मगर दूसरा जो आपका सवाल है कि यहाँ पर क्या ये बोर्ड और कितने रोज ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये 18 रोजा ऑपरेशन था, 1 अक्टूबर को शुरू होना था, 1 अक्टूबर को इन्होंने कुछ 2500 के करीब क्रॉस स्टार्ट लगाए थे, अब ये तीन दिन गुजर चुके हैं,
15 रोज रह चुके हैं अब ऑपरेशन में, मगर डीसी लाहौर का यही कहना है कि एक माह से जायद ये ऑपरेशन रहेगा और ऑपरेशन रुकेगा नहीं, इसका फॉलोअप होता रहेगा। जहाँ जहाँ पे हमें लूप होल्स नजर आएंगे वहाँ वहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे। मगर मैं फिर कह रहा हूँ मदीहा कि LDA और जिले इंतजामिया और MCL में फ़र्क है। LDA के पास पूरा एक सिस्टम है, मगर जिले इंतजामिया के अफसरान से नहीं कोई ज़्यादा डरता, MCL के अफसरान पर का कोई रोब नहीं है। इस वजह से ये ऑपरेशन जो है वो तातुल का शिकार रहता है, यहाँ पे कभी रुक जाता है कभी शुरू हो जाता है। यहाँ के इनके अलाइड महकमे, 9 अलाइड महकमे, इतना बिग ऑपरेशन है कि इनके पास एक ऐसी मशीन है जो पूरा प्लाजा गिरा देती है और उस मशीन से साइन बोर्ड उतार रहे हैं, 3-3 फुट के साइन बोर्ड उतार रहे हैं। वही यार इतना वही जो बात टाइम मनी एंड एनर्जी। इमरान मलिक साहब आपका बेहद शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन हमने देखा कि जो टाइम मनी और एनर्जी लग रही है वो क्या सही जगह लग रही है नहीं लग रही, आवाम के पर्सपेक्टिव से आपने जाना है। और यहाँ पर लिटरली लोग जो है वो तालियां बजा रहे थे हमारे प्रोग्राम के लिए कि किस तरह से जो मुसावी और गैर मुसावी, जानिबदार और गैर जानिबदार सलूक बढ़ता जा रहा है, आवाम उससे कितने परेशान है। ये लोग आज थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि शायद शायद इनको अब आने वाले दिनों में जो भी ग्रैंड ऑपरेशन तजावजात के खिलाफ किए जाएंगे उनमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्टार्टिंग में जब वो भाईजन बात कर रहे थे, ठीक है, वो ठीक है, उनमें बात की है तो सबसे बड़ी बात यह कि उनको बात सुन के उनको जवाब देना नहीं आया। वो यहाँ पे जो भी अफसर थे वो सारे चले चुके हैं, इस टाइम आप लोग जो दे रहे हैं हमारे लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, आप हमारे साथ हैं, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि आप जैसे एंकर दुनिया में होंगे तो कोई भी गरीब आदमी कभी परेशान नहीं होगा, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि दुनिया में हर एंकर आप जैसा पैदा हो दुनिया में, और हम आपके लिए दिली क्लैप दिल से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ये आवाम का आज का पर्सपेक्टिव था। हम उम्मीद करते हैं जो भी बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उसमें सुधार जरूर पैदा हो और जो जो आज निशानदेही हमने की है उनके ऊपर जरूर बाज़गश्त हो। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।